गुड मॉर्निंग एवरीवन। इस वीक में जो हम एक्टिविटी करेंगे वो हमारे कलर ऑफ द मंथ के ऊपर बेस्ड है। ये देखिए, हमने ब्राउन कलर यूज किया है आउल बनाने के लिए। और ये कौन सी एक्टिविटी है? ये हमारी वेजिटेबल प्रिंटिंग एक्टिविटी है। हमने यहाँ पे आउल किससे बनाए हैं? विद द हेल्प ऑफ पोटैटो। हमने आलू यूज किए हैं और उसकी हेल्प से हमने इतने सुंदर आउल बनाए हैं। चलिए हम इस एक्टिविटी को करना स्टार्ट करते हैं। लेट्स डू इट। वेजिटेबल पेंटिंग करने के लिए मैंने एक पोटैटो लिया है। इसको हम ऐसे मिड से कट कर लेंगे। ये देखिए, हमने इसे सेंटर से कट कर लिया है। कट करने के बाद हमने यहाँ पे ऊपर वाले पोर्शन से इस तरह से वी शेप काटेंगे। ये देखिए, इस तरह से वी शेप मैंने कट कर लिया है। वी शेप कट करने के बाद, ये देखिए, कटिंग करने के बाद हमने ये ब्राउन कलर लिया है आउल बनाने के लिए। इस आप किसी भी प्लेट में हम कोई भी वाटर कलर लेके इस तरह से उसे रख लेंगे। इसके बाद जो हमने कटिंग करी है, ये जो हमने शेप कट करी है, इसको हम इस तरह से, ये देखिए, जो हमारी प्लेट है इसके ऊपर अच्छे से यहाँ पे लगा लेंगे। ये देखिए, फुल पोर्शन में अभी हमारे ब्राउन कलर लग चुका है। इसके बाद हमने आउल की शेप बनाने के लिए इस तरह से मार्क ले लेंगे। ये देखिए, सेम इसी तरह से, सेम इसी तरह से हम और भी, हमने जितने आउल बनाने हैं उस तरह के हमने मार्क्स ले लेने हमारे इसके ऊपर। ये देखिए, हमने 4 मार्क लिए हैं यहाँ पे पोटैटो के। आपको जितने आउल बनाने हैं आप उस तरह से इसके मार्क्स ले सकते हैं। अभी इसके बाद हमने जहाँ आउल बैठे हैं पेड़ बनाने के लिए हमने ग्रीन कलर यूज किया है। ये देखिए, स्टेम बनाएंगे इससे। इसको हम इस तरह से ब्रश की हेल्प से ट्री की जिस ब्रांच के ऊपर ये हमारे आउल बैठे हैं, हम ब्रश की हेल्प से इसे बना लेंगे। देखिए, हमारी ब्रांच बन गई है। इसके बाद यहाँ पे हम अलग से लीव्स वगैरह बना सकते हैं। चाहे तो आप ब्रश की हेल्प से इसे बना सकते हैं, या आप चाहो तो जो हमारी फिंगर है, फिंगर की हेल्प से, इस तरह से जो हमारी फिंगर होती है, हम इस तरह से फिंगर मार्क्स ले लेंगे और इजीली इसमें लीव्स बना सकते हैं। देखिए, इस तरह से हम फुल पोर्शन में, जिस जहाँ हमारी टहनियाँ हैं, हम लीव्स बना सकते हैं। इस तरह की एक्टिविटीज बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, इसीलिए हम एक्टिविटीज के थ्रू उनको कुछ नया सिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमने लीव्स बना लिए। जब तक ये हमारे वाटर कलर्स थोड़ा सा सूखते हैं, तब तक हम जो हमारे आउल है इनकी आईज बनाने के लिए हम व्हाइट कलर की शीट लेंगे और इसमें छोटे छोटे सर्कल्स काट लेंगे। ये देखिए, इस तरह से हमने व्हाइट सर्कल्स कट कर लिए। सर्कल कट करने के बाद हम मार्कर की हेल्प से इसके अंदर ब्लैक कलर की डॉट्स लगा लेंगे। देखिए, इस तरह से हम आई बना लेंगे। आईज बनाने के बाद इस तरह जब हमारा पेंट सूख जाएगा, फिर हम फेविकोल की हेल्प से यहाँ पे जो हमारी आईज बनाई है इसे लगा लेंगे।
ये देखिए जिस तरह से हमने ये आईज फिक्स किए हैं, सेम इसी प्रोसेस से हम सभी आउल की जो आईज है इसे फिक्स कर लेंगे। ये देखिए अभी सभी आउल की आईज फिक्स हो चुकी हैं। आईज फिक्स करने के बाद हम येलो कलर लेंगे वाटर कलर और ब्रश की हेल्प से इस तरह से यहाँ पर आउल का नोज बनाएंगे। ये देखिए कितनी इजीली हमने हमारा ये वेजिटेबल पेंटिंग से आउल बनाए हैं। आप भी इसे जरूर ट्राई कीजिए, आपके बच्चे बहुत एंजॉय करेंगे। थैंक यू सो मच।